मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपका सिक्स क्लास का ज्योग्राफी में जो चैप्टर हम कर रहे थे, चैप्टर नंबर 7 आर कंट्री इंडिया, जिसमें हमने देखा था कि हमारा जो भारत है वो विविधताओं का देश है। यहाँ पर हिमालय पर्वत है और ओशंस हैं, सीज हैं, अलग अलग वैरायटी है। उसकी लोकेशन हमने देखी थी कि वो कहाँ पर स्थित है। चलिए आज हम पढ़ेंगे उसमें इंडियन इंडियाज नेबर के बारे में। इंडियाज नेबर मतलब हमारे पड़ोसी राज्य। तो देखिए, अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पड़ोसी राज्य आप देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो है वो है पाकिस्तान। सेकंड देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो अफगानिस्तान से हमारी जो है सीमा ऊपर जम्मू एंड कश्मीर के पास जो है वो अटैच हो रही है। तो हमारा सेकंड नेबरिंग कंट्री कौन सी हो गई? अफगानिस्तान। थर्ड है चाइना। फोर्थ है नेपाल। फिफ्थ है भूटान। सिक्स्थ है म्यांमार। और सेवन्थ है बांग्लादेश। तो आपको मैंने अभी यहाँ पे बताए हैं कि हमारे 7 जो नेबरिंग जो कंट्रीज़ हैं वो कौन सी हैं। आपने इन कंट्रीज़ को ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि वो कहाँ कहाँ पर है, और इनको याद करना है कि आपकी 7 नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी है। ठीक है, देयर आर 7 कंट्रीज़ दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। यहाँ पर कितनी हमारी जो कंट्रीज़ हैं जो हमारी इंडिया कंट्री से बाउंड्री बाउंड्री मतलब सीमाएं शेयर कर रही हैं। हमने अभी पढ़ी 7 कंट्रीज़, फाइंड आउट नेम्स, और आपको तो मैंने उनके नाम बता ही दिए। तो अब आप फाइंड आउट क्या करोगे? अब आप उनको याद करोगे। ठीक है, ऑफ दीज कंट्रीज फ्रॉम द फिगर 7.1, हाउ मैनी ऑफ दीज कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशन और सी। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके जो है पास में सी नहीं है, जिनको सी तक पहुँचने के लिए इंडिया से होके जाना पड़ता है, उन कंट्रीज को कहते हैं लॉक लैंड कंट्रीज। और वो जो है उसमें देखिए, एक तो है नेपाल और एक है भूटान, जिनको अगर समुद्र तक जाना है तो उनको इंडिया से होकर जाना पड़ता है। ठीक है, ऐसी कंट्रीज को क्या कहते हैं? लॉक लैंड, जो कि चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है। ठीक है, अक्रॉस द सी टू द साउथ लाइज आर आइलैंड नेबरिंग नेबर्स श्रीलंका एंड मालदीव्स। अगर हम साउथ में जाएं तो नीचे की तरफ हमारे आइलैंड नेबर्स क्या होते हैं, जिन जो कि समुद्र में या पानी से के साथ हमारे नेबर होते हैं। मतलब कि अगर हम देखें तो जो श्रीलंका है वो बे ऑफ बंगाल, जो कि भारत के एक तरफ है, और दूसरा मालदीव्स जो कि इंडियन ओशन में है, वो हमसे समुद्री सीमाएं जो है वो बांट रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे आइलैंड नेबर्स हो गए। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाल स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पर दो बड़ी वाटर बॉडीज आपस में मिलती हैं और बीच में से एक रास्ता निकल कर जा रहा हो। तो अगर आप ध्यान से मैप में देखें तो यहाँ पर ये देखिए, इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर इंडियन ओशन है, और यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता हुआ एक हल्का सा रास्ता अगर आप देखें तो वो नज़र आता है। तो ये क्या है? पार्क स्ट्रीट नाम दिया गया है इसको। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। पॉलिटिकल मतलब राज्यों के आधार पर, और एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब होता है प्रशासनिक, डिवीज़न मतलब विभाजन। तो इंडिया जो है, आपने देखा है कि इंडिया में बहुत सी कंट्रीज सॉरी बहुत से स्टेट्स हैं, राज्य हैं। तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस मतलब जो प्रशासनिक जो उसके पर्पस की वजह से वो बहुत ही बड़ी है, क्योंकि ये अलग अलग राज्यों में बटी हुई है। द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट्स। अब कई बच्चों की बुक में यहाँ पे 29 लिखे होंगे। क्यों 29 लिखे होंगे? पहले
पहले इंडिया की 28 स्टेट्स ही थी 2014 से पहले, पर 2014 में एक नया स्टेट जो है बना था तेलंगाना, जिसको इसके बाद में 2019 में अभी हाल ही के सालों में जो है जम्मू और कश्मीर जो एक राज्य था पहले उसको यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया था, इसीलिए जो स्टेट्स 29 हुए थे वो चेंज होके 28 हो गए दोबारा से। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न आपकी क्लियर होनी चाहिए कि स्टेट 29 है कि 28 है। स्टेट्स जो अब रीसेंट है वो 8 स्टेट्स हैं, और जो यूनियन टेरिटरी क्या होती है पहले आप उसको समझिए। यूनियन टेरिटरी कंट्री का वो भाग है जिसमें छोटे छोटे भाग जैसे कि दिल्ली है, गोवा है, ये छोटे छोटे एरिया हैं। देखें तो ये बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स नहीं है, छोटी छोटी हैं। वहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट का जो है रूल नहीं चलता, स्टेट गवर्नमेंट राज नहीं करती, वहाँ पर जो है प्रशासन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट का चलता है। ठीक है, जो सेंटर में गवर्नमेंट होती है वो अपना प्रशासन चलाती है वहाँ पे, इसीलिए उनको यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। तो अगर आप देखें तो स्टेट्स हो गई 28 एंड यूनियन टेरिटरीज कितनी है 8। पहले ये 9 थी, पर बाद में अभी हाल ही में 2020 में जो दादर और नागर हवेली एक यूनियन टेरिटरी थी और एक दूसरी थी दमन और द्वीप, वो जो दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी जो कि अगर आप देखें मैप में तो ये देखिए ये रहा दमन एंड द्वीप और दादर और नागर हवेली, ये जो दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी इनको एक साथ जोड़ दिया गया और ये एक ही यूनियन टेरिटरी जो है काउंट होने लगी। ठीक है, इसीलिए अब यूनियन टेरिटरी कितनी हो गई 8। अब आप ये ध्यान से देखिए मैप में, अगर आपसे पूछा जाए कि मैप में हमारी इंडिया में सबसे बड़ा जो स्टेट है वो कौन सा है, तो वो स्टेट है राजस्थान, जो कि बहुत सबसे बड़ा है। उसके बाद जो है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसी तरह अलग अलग स्टेट की अलग अलग जो है सिचुएशन है। अब आपका ये होमवर्क है आज का कि आपने ये एक पॉलिटिकल मैप लेके सभी जो है स्टेट्स और उनकी जो कैपिटल्स है उनको आपने उस मैप में फिल करना है अपनी बुक की हेल्प से। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आगे देखिए, द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जो दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल, जो दिल्ली है वो हमारी नेशनल कैपिटल है, मतलब कि पूरी जो इंडिया कंट्री है उसकी कैपिटल क्या है, दिल्ली। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और जो हमारी स्टेट्स हैं बनाई गई हैं जो वहाँ की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे फिजिकल डिवीज़न। ठीक है, फिजिकल डिवीज़न के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसको आपने पहले से ही रीड आउट करके रखना है जिससे कि आपको चैप्टर को आगे समझने में आसानी हो, और इस चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे। इसका आपका आज का होमवर्क है कि एक तो आपने पॉलिटिकल मैप में सभी स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स को फिल करना है, साथ ही साथ मैं आपको इसके साथ इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी जिसको आपने नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।